नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। देश में कोविड 19 के मरीजों की संख्या 37,000 को पार कर चुकी और कोविड 19 से मरने वालों का आंकड़ा 1,000 से ज्यादा हो गया। इसी बीच सरकार का आरोप है कि कोविड 19 के संक्रमित लोगों की बढ़ोतरी में तबलीगी मरकज का बड़ा हाथ है। इसी बीच खबर आ रही है कि निजामुद्दीन मरकज की जांच करने वाली क्राइम ब्रांच की टीम पर कोविड 19 का साया गहरा गया। सूत्रों से मिल रही जानकारी की माने तो क्राइम ब्रांच के अब तक 4 पुलिसकर्मी कोविड 19 की चपेट में आ गए। वहीं क्राइम ब्रांच के अन्य 5 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट दिल्ली सरकार ने अभी क्राइम ब्रांच को सौंपी ही नहीं, जिसमें 22 तारीख को बाबा भीमराव अंबेडकर अस्पताल में क्राइम ब्रांच के 2 पुलिसकर्मियों ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक पुलिस को नहीं मिली। वही 29 तारीख को क्राइम ब्रांच के कुल 6 पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट दिल्ली के सरकारी अस्पताल में हुआ था, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की कोविड 19 रिपोर्ट अब तक पुलिस को नहीं मिली है, जिससे पुलिस अधिकारी काफी डरे हुए हैं कि क्या होगा और रिपोर्ट क्या होगी। वही यहां पर एक बात बता दें कि क्राइम ब्रांच के पहले कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी ने 19 तारीख को अपना कोरोना टेस्ट कराया था, जो 28 तारीख को कोरोना पॉजिटिव निकला। ऐसे में उसकी रिपोर्ट भी 10 दिन बाद पुलिस को मिली थी। तबलीगी मरकज मामले में जांच टीम के इतने पुलिसकर्मियों का कोरोना की चपेट में आने के बाद 12 से ज्यादा क्राइम ब्रांच का स्टाफ सेल्फ क्वारंटीन है, जिसके चलते क्राइम ब्रांच को मौलाना साद मामले की जांच करने में न केवल दिक्कत आ रही है, बल्कि जांच टीम पर कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है। अब देखना होगा कि आगे सीबीआई क्या रणनीति अपनाती है।